भैया बहनों, अब आज दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। पॉलिनोमियल के विषय में आपने 9th में जानकारी प्राप्त कर ली है। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में रहता है, ए एन इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, प्लस डॉट 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 ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन। हियर ए जीरो ए वन डॉट 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 ए एन आर रियल नंबर्स एंड एन इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक पद हों। यहाँ ए एन माइनस वन वगैरह जो दिया गया है, कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। जैसे हम बहुपद लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, फोर एक्स प्लस फाइव, इस तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वहाँ थ्री रूट थ्री फाइव ये सब लेते थे, उन्हीं की जगह पे लिखा है ए एन माइनस वन, ए जीरो। तो ये सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर इरेशनल और इरेशनल नंबर जितने हैं वो सब के सब रियल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे डिफरेंट टाइप के आप एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ थ्री जेड प्लस फोर, तो यहाँ थ्री हमारा रियल नंबर हुआ, फोर रियल नंबर हुआ। ऐसे ही यहाँ जो कोफिशियंट दिए गए हैं ए एन माइनस वन, ए टू डॉट डॉट डॉट, ये सब रियल नंबर है। ये एक्स है जो वेरिएबल टर्म कहलाता है, चर पद जो बदलता रहता है, कहीं एक्स होगा, कहीं एक्स का मान अलग अलग हो सकता है, कहीं वाई लिखा जा सकता है। ये पॉलिनामियल इन एक्स, पी ऑफ एक्स मीन पॉलिनामियल इन एक्स, इसी को हम पॉलिनामियल कहते हैं। इसमें पॉलिनामियल की जो हाईएस्ट पावर है एक्स का, वही उसकी डिग्री कहलाती है। जो भी वेरिएबल लेते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही पॉलिनामियल की डिग्री होती है। अब एक होता है लीनियर पॉलिनामियल। ये पॉलिनामियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनामियल, जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर वन हो, हाईएस्ट पावर, वही कहलाता है लीनियर पॉलिनामियल। जैसे टू एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स का पावर वन है, रूट थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स का पावर वन है, थ्री जेड प्लस फोर, यहाँ जेड का पावर वन है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनामियल के हैं। जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए और बी ये रियल नंबर है, ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यदि ए की जगह आप शून्य लिख देंगे तो केवल बी बचेगा, वो लीनियर पॉलिनामियल नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल वो पॉलिनामियल होता है जिसमें जो वेरिएबल टर्म है उसका हाईएस्ट पावर दो, यानी जिसकी डिग्री टू होती है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल। द्विघात बहुपद, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो है टू, इसलिए इस पॉलिनामियल की डिग्री टू हो गई। यहाँ जो हाईएस्ट पावर वो भी टू है, इसकी भी डिग्री टू हो गई। यहाँ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स, यहाँ भी वेरिएबल टर्म एक्स का जो हाईएस्ट पावर है टू है, तो ये भी डिग्री टू हो गई। ऐसे ये वी में दिया है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर टू है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल होगा। इसका जो जनरल फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, जहाँ ए बी सी ये सब रियल नंबर्स हैं, ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए, भले बी और सी शून्य हो जाए। क्यूबिक पॉलिनामियल वो कहलाता है जिसकी डिग्री थ्री होती है, जैसे रूट थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यहाँ एक्स का जो हाईएस्ट पावर है थ्री है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। इसके आगे भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, ए की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। अब आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाई पुटिंग एक्स इक्वल टू के इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के।
जैसे एक्स का मान अगर हमने के ले लिया और उस पॉलिनामियल में हमने एक्स की जगह के लिख दिया तो वही उस पॉलिनामियल की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉलिनामियल पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री और इसकी वैल्यू हमको एक्स इक्वल टू थ्री पर निकालनी है तो हमने एक्स की जगह थ्री रखा पी ऑफ थ्री, यहाँ भी एक्स की जगह थ्री रख दिया तो थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, सिंप्लीफाई किया नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री, नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू थ्री इस पॉलिनामियल की वैल्यू शून्य हो गई। ऐसे हमने एक्स की जगह माइनस टू रख दिया तो एक्स इक्वल टू माइनस टू पर इस पॉलिनामियल की वैल्यू फाइव हो गई। अब आता जीरो ऑफ ए पॉलिनामियल, ए रियल नंबर के सेट टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनामियल पी एक्स इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। कोई भी ये जो हमारा मान है वो पॉलिनामियल का जीरो तब कहलाता है जब उस वैल्यू को रखने पर पॉलिनामियल की वैल्यू शून्य हो जाए। जैसे पी एक्स एक पॉलिनामियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, जब हमने यहाँ एक्स की जगह माइनस वन रखा तो यहाँ आया पी ऑफ माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन का स्क्वायर वन, यहाँ आया प्लस थ्री माइनस फोर, तो ये शून्य हुआ। यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन रखने पर इस पॉलिनामियल की वैल्यू शून्य हो जा रही है। इस नाते एक्स इक्वल टू माइनस वन इसका एक जीरो हुआ। ऐसे जब एक्स इक्वल टू फोर रखा जा रहा है तो भी इस पॉलिनामियल की वैल्यू शून्य हो जा रही है। तो इस प्रकार से एक्स इक्वल टू फोर भी इस पॉलिनामियल का एक जीरो हुआ। तो इस पॉलिनामियल के दो जीरोज हो गए, एक माइनस वन और दूसरा फोर। नहीं एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनामियल का मान शून्य हो जाता है वही उसका जीरोज कहलाता है, शून्य कहलाता है। जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनामियल, मान लीजिए इफ के ये जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनामियल, लीनियर पॉलिनामियल जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है, तो ये कहा गया कि अगर एक्स की वैल्यू हम के रखते हैं और के रखने पर इस पॉलिनामियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो k का जो मान होगा वही उसका जीरो कहलाएगा। तो हमने यहाँ रखा p ऑफ एन एक्स की जगह k, ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए के बी को इधर लाए माइनस बी, k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस प्रकार से इस पॉलिनामियल का जीरो जो हुआ माइनस बी बाई ए। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो माइनस लिखा, b क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है x का कोफिशियंट, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इससे रिलेटेड थोड़े से एग्जांपल होमवर्क में है, लिखा क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल, इसमें से आपको लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल छांटना है। दूसरा वेरीफाई दैट माइनस टू इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आप यहाँ एक्स की जगह माइनस टू रखिएगा, अगर जीरो आ गया तो ये उसका जीरो होगा अदरवाइज जीरो नहीं होगा। यहाँ लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस रूट फाइव, आपको पी ऑफ माइनस वन और पी ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। थैंक यू।